मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। आपसे किसने कहा कि मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ? अच्छा, इसका मकसद ये है कि आज हनी बेटी बिरयानी बनाएगी। चलो अच्छा है, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी थी ना। लोग खीर में हाथ डलवाते हैं, हम बिरयानी में हाथ डलवा देंगे। हनी, अरे अब उठ जाओ, अब तो शाम भी ढलने वाली है, कुछ हिलजुल लो, कहीं ऐसा ना हो कि बिरयानी पर फातिहा ही देनी पड़ जाए। बिरयानी? अबे यूं जा, यूं ना, वहीं टिक, मैं आऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने किसी बुजुर्ग आदमी को इतना सामान उठा के जाता हुआ देखता हूं ना, मेरा दिल खून के आंसू होता है। दे दे ना। अरे दे, अरे दे, अरे दे ना। अजीब बात है यार, तेरी जबरिया खलाकियत भी हद होती है यार। वैसे आज मुश्तरी का दखल मिर्रीख के चौथे घर में है, जिसके बाइस तुम्हें घर दामाद दिखने के कभी इम्कानात रोशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। मुझे ये बताओ कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? अरे कली मुल्तान से आया है और सिर्फ शादी के लिए आया है। बस मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड्डू की तलाश थी। हाँ? वो मेरा मतलब है कि लड्डू की। और दामाद बेगम इतनी जल्दी फैसला? जी हाँ, ये मेरा फैसला है और अटल है। क्या नजर आ रहा है? यही कि इस घर का सारा निजाम आपके हाथ में, गंदे बर्तन आपके हाथ में, गंदे कपड़े आपके हाथ में, घर की सफाई आपके हाथ में, और आपकी लगाम। मेरी प्यारी मम्मी जी, देखो, मेरी बेगम को मम्मी जी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम आपके अब्बा हैं? एक्सक्यूज मी बेगम, दामाद तक तो ठीक था, लेकिन अब अब्बा से क्या काम पड़ गया? आप तो खामोश रहिए बस। अरे मैं रिश्ते के सिलसिले में पूछ रही हूँ। हाँ। अरे भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है, वैसे तो हर दामाद करोड़ों रुपए का मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे 3 लाख रुपए लूंगा। 3 लाख रुपए में ये सारा काम कर लेगा? ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या करते हो? जो तुम कर रहे हो, भागने की तैयारी? नहीं, चोर है, चोरी करने आए हैं। हमें क्या पता कि घर का मालिक खुद भाग रहा है? तो तेरा क्या ख्याल है, मैं उसे डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, वकील बनाऊं, क्या बनाऊं? उसे मेरा नौकर बनवा दे, मुझे डांटते रहना। नौकर? क्या वो उस दिन आप मुझे बता रहे थे कि आपको सितारों का इल्म भी आता है? अरे बस भाई, वो तो यूं ही, जिन्हें हाथ देखना आता है वो सितारों का इल्म भी जानता है। क्या आपको हाथ देखना भी आता है? प्लीज मेरा हाथ देखे ना। अरे भाई बिल्कुल, सिर्फ हाथ देखना ही नहीं, पढ़ना भी आता है। प्लीज मेरा हाथ देखकर बताए ना। ऐसा हाथ पहले मैंने कभी नहीं देखा। देखिए ये मरीख यहाँ से चल के सरीख से टकराता है। बेगम क्या है? मैं ये कह रहा था बेगम के दोपहर के खाने में आलू गोश बना लूं। बना लीजिए ना, देखे ना मेरा हाथ देखे। चाय पी। क्या हो गया? अब मुझे अपना हाथ देखना पड़ेगा। बताए ना मुझे कुछ। बहुत ही खूबसूरत हाथ है आपका, देखिए ये यहाँ से चला। बेगम अब क्या है, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाथ दिखाने देना। मैं ये कह रहा था कि वो दोपहर के खाने के बाद सूजी का हलवा बना लूं। हाँ हाँ बना ले, जो दिल चाहे बना ले, मगर अब नहीं आइएगा, मुझे हाथ दिखाने दे। अब हाथ दिखे बेगम, ये गैर मर्दों को हाथ दिखाना जरूरी है क्या? हट जा। अरे तुम्हें तो हाथ, तो क्या तुम्हें हाथ की उंगलियां देखना भी नहीं आती? जाओ अंडिया बनाओ। मेरी कढ़ाई में पकौड़े तलने के चक्कर में हो तुम, और मैं जाके हंडिया बनाऊं? हैं? नन्ना
क्या हुआ क्या हुआ? या अल्लाह, इन्होंने आपको पकोड़ा कहा। गुलाम, आपने मुझे पकोड़ा कहा? हाँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, आप एक हाथ दिखाएं, दो हाथ दिखाएं, मैंने अच्छा जाइए, चलिए, अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं आई? अरे छोड़े ना, आप हाथ देखिए, वो अब नहीं आएंगे, आप हाथ देखिए। शाम हो गई, चाय तक करी, चाय पिलाओ। चाय में चूहे मारने वाला जहर मिला दो, एक चूहा और कम हो जाएगा। गुलाम से चाय नहीं मंगाऊंगा। इसको जहर खिलाना जहर को जाया करना जैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चूहा मार दवाई डाल के ले आए और मैं। डैडी एक काम करती हूँ, आज आपके लिए चाय में अपने हाथों से बनाती हूँ। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। लेकिन मेरी बात सुनो, पकोड़े, समोसे, कुछ कचोरी हो, और हाँ चटनी जरूर लाना, वो ऐसे करके खाएंगे। मजा तो नहीं, मगर हाँ इतना कुछ खा के इनको ऐसा जरूर आ जाएगा। कुछ कह रही हो अब? नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि अब देखिए इतना कुछ तो मुझे बनाना नहीं आता ना, तो मैं काम करती हूँ, सारा कुछ बाहर से मंगवाती हूँ, मगर हाँ चाय अपने हाथ से बनाऊँ, ठीक है? तो मैं जाऊँ? जाओ बेटा। मैं वाकई में जाऊँ? मैं वाकई में सो जाऊँ? जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, लड्डू से मंगाऊंगी सब कुछ। अब लड्डू, लड्डू, लड्डू हाजिर बेगम। मेरा मतलब है हनी, आपने मुझे बुलाया, जल्दी जाओ, जाके तुम समोसे पकोड़े और वो चटनी लेके आओ, और ये सब कुछ ये खाएंगे। शहर से बातें, भाग के जाओ। भाग के जाऊं? चल के जाऊं? तुम भाग के जाओ, मैं चाय बना रही हूँ, तुम ये सब कुछ लेके आओ। पैसे पैसे अब्बा, पैसे दो। कैसी बकवास कर रहे हो, ये खानदानी लोग हैं, क्या मेहमानों से पैसे लेंगे? अरे तुझे पता है पैसे हनी बेटा देगी, क्यों हनी बेटे तुम पैसे दोगे ना? मैं दे रही हूँ। ओके, बड़े गेम करते तुम अब्बा। तेरा बाप हूँ। अरे भैया, तारा सर पे। पापा हटे जल्दी से, मुझे चाय बनानी है। चाय बनानी? क्यों, किसके लिए? वो लड्डू के डैडी के लिए ना। लड्डू के डैडी के लिए? अच्छा अच्छा, उनसे पूछा कि वो चाय कैसी पियेंगे। चाय क्या मतलब, किस तरह की पीते? अरे क्या पता उन्हें शुगर हो और वो फीकी चाय पीते हो, क्या पता ब्लड प्रेशर हो, तो चाय पता नहीं कौन सी पिए, ये तो पूछ लो ना उनसे। मैं काम करती हूँ, मैं जाके पूछ के आती हूँ उनसे, ठीक है? ठीक है। जब तक आप अच्छी सी चाय बना दें। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, मैं बना दूँ। बना लेना। हाँ हाँ, बना रहा हूँ। मैं आती हूँ बेटी। हाँ हाँ, बना रहा हूँ। अच्छी तो ऐसी बनाऊंगा। मिर्चों वाली चाय, मिर्चे डालूंगा, ऐसी चाय पिलाऊंगा जिंदगी में तू तड़पता ही रहेगा पीने के लिए। नमक भी तेज होना चाहिए, एक चमचा काफी है तड़पाने के लिए, लेकिन एक और चमचा मजे आ जाएंगे। चाय की पत्ती, दूध, दूध बेटे पियो, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता ये चाय पी के, चाय तो लगना चाहिए ना भाई। चाय पी के गाना कौन सा गाएगा वो? मजा आएगा, वो गाना सुनूंगा। चाय बन गई? हाँ, चाय बनी और ऐसी बनी है, तकरीबन बन गई। तो तुम एक काम करो कि तुम ये चाय निकाल के लेके आना, मैं जरा उनके पास बैठता हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप उनको बताइएगा नहीं ये चाय आपने बनाई, आप बोलिएगा मैंने बनाई है। मैं बता दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, बता दूंगा। बेहतरीन चाय बनाई है आज मैंने।
वाह वाह वाह। चाय सबके लिए। ओ लो, चाय आ गई, चाय आ गई, चाय आ गई। मम्मी जी, आपको पता है आज हनी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से सबके लिए चाय बनाई है। क्या लड्डू? गुलाम, आप दोनों के होते हुए मेरी फूल जैसी बच्ची ने काम किया है। मामा, ये चाय मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। अच्छा, आप लोग सब ये चाय पियेंगे ना? मैं सबको अपने हाथों से दूंगी। नहीं नहीं बेगम, आप चाय नहीं पीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से बना के लाता हूँ। नहीं भाई, मेरी फूल जैसी बच्ची ने आज पहली दफा तो कोई चीज बनाई है, मैं तो जरूर पीऊंगी। अबे साला, इतना वैशी इंसान है कि नमक से भरी चाय घटा घट मजे ले लेके पी लिया। भाई बहुत मजा आ गया, भाई बहुत मजा आ गया। एक कप चाय और मिल जाएगी आपको? ये चाय इतनी अच्छी लगी? खाने पीने की सारी चीजें इन्हें हजम हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हनी ने चाय बनाने से पहले चख ली और फिर उसने चीनी मिला दी? बेगम, आप भी चाय पी? हाँ हाँ, पीऊंगी, जरूर पीऊंगी। आपके सिग्नल का इंतजार थोड़ी कर रही हूँ मैं। मम्मा, अब चाय पीजिए ना, पी के बताइए कैसी बनी है। अच्छा, अभी तोबा तोबा, अख तू ये चाय बनाई है या नहारी? नहारी क्यों, क्या हो गया? पियो, देखो पी के। यार आप कितने जहरीले इंसान हैं, यानी इतना तेज नमक है चाय में, इतनी मिर्चें पड़ी हुई हैं, और कैसे मजे ले लेके घटाघट पी रहे हैं आप? आप क्या समझ रहे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ? नहीं, मैं समोसे के साथ रायते का घूंट भर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या जरूरी बात करना चाहते थे आप मुझसे? भाई मैं चाहता हूँ ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं, हनी और लड्डू की शादी जल्दी हो जाए। जी जी, मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी आपका बार बार आना और जाना मुनासिब नहीं लगता। तो आप चाहती है कि मैं मुसलसल यहाँ रुक जाऊँ? जी हाँ, इन हरकतों से जो मुसलसल आप करते रहते हैं। क्या? वो मेरा मतलब ये है कि इतनी मुश्किलों का बोझ जो उठा रखा है आपने। वो तो है। बस तो तय हो गया, एक दो दिन में लड्डू और हनी की शादी कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि शादी से पहले जो बाकी पेमेंट है वो भी अदा हो जाए। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं तो पहले दिन से ही राजी हूँ आपके इस प्रपोजल पर। आपकी बात नहीं है, मसला आपके उस दक्यानुसी गुलाम का लगता है। छोड़े उन्हें पूछता ही कौन है। लेकिन वो आपके खाविंदे वक्त है। अरे वक्त का क्या है, हर वक्त गुजर ही जाता है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही है, बड़ी समझदार हैं, बड़ी समझदार हैं। हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। आज तो मैं चूहे मार जहर उस पे जाया कर ही दूंगा। दूध जहर, आज एक चूहा और कम हो जाएगा। ये उस वही इंसान के लिए, ये वो पिएगा और ये मैं पीऊंगा। अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरता हुआ देखूंगा उसको, तड़प तड़प के मरता हुआ। तबीयत खुश हो जाएगी, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। ओह ठीक है, सही है, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब्बा भी मर जाएगा और शादी भी नहीं होगी। मेरी बेटी से शादी करने आया कमबख्त चुंदी चोर। घर दामाद के घर दामाद।
जिंदगी में तो सभी प्यार हमें नहीं खा नजर लग जाएगी। आओ आओ। असल में मैं अभी सारा दिन काम करता रहता हूँ ना, थक जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये पियेंगे तो जरा जान आ जाएगी, मजे आ जाएंगे। और आप भी सारा दिन खा खा के थक जाते हैं, तो मैंने कहा आपको पियेंगे तो ये एनर्जी आएगी, मजा आएगा आपको भी, क्या ख्याल है? वाह भाई वाह। गुलाब मैं जरा आता हूँ, आप पिए दूध पिए, अभी आप पी लीजिएगा। जिंदगी में तो सभी प्यार के या करते मैं लगा नजर लग जाएगी। भाई क्या बात है, ऑपरेशन कामयाब हो गया, गुलाम तू जीत गया, तेरा हदफ पूरा हो गया। अरे कैसे निकला है मेरा भाई, होए होए होए। अब ये मुंह क्यों खुला हुआ है, कुछ खा पी तो सकते नहीं। बंद करो बंद करो। अल्लाह अगर मेरी सुन ले, मेहरबानी फरमा के जन्नत के करीब करीब का कहीं प्लाट दे दे। जहर वाला दूध तो अब बचा दूध मेरे हिस्से का, मजे आ गए गुलाम मजे आ गए गुलाम मजे आ। कितने अरसे की बात, ये दूध पीना नसीब होगा, सिर्फ देखता रहा हूँ दूध, पीऊंगा आज। क्या मजा होता है यार दूध में, ये कैसा लगता होगा, लोग पीते हैं भाई। चलो आज छुट्टी हुई, आज गुलाम मालिक बन गया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया, नहीं कहा नजर लग जाएगी। आप कैसे उठ गए? हर गुलाम थोड़ी गुरुजी सी तारी हो गई थी, मैंने सोचा केलूला कर लूं। गिलास नहीं पिया, तो इसका मतलब ये है कि
इसमें लहर है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।